तो दोस्तों तैयार हो जाओ फिर से क्या देखने के लिए भाई, अनिल कपूर और बॉबी देओल को एक साथ देखने के लिए। इससे पहले कहाँ देखा था, याद तो होगा, एनिमल, संदीप रेड्डी मांगा, भूले तो नहीं हो। आगे भी देखने को मिलने वाला है एनिमल पार्क के अंदर, पर मैं एनिमल पार्क की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ एक और मूवी आ रही है जिसके अंदर एज अ विलन बॉबी देओल काम कर रहे हैं, और इसमें देखने को मिलने वाले हैं हमारे कौन, हमारे अनिल कपूर साहब। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बॉबी देओल को देखने के लिए हर कोई बेचैन रहता है, लगातार उनकी पिक्चरों का हर कोई इंतजार करने में लगा हुआ, और ये इंतजार करना बनता भी है क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है ना बॉस। विलन वाला रोल जो है, निराला बाबा रोल वाला रोल जो है, विराट वाला रोल जो है, उदिरन वाला रोल जो है, वो बहुत ज्यादा जच रहा है इनके फेस पर, फेस पे। और फिर एक्टिंग तो अबरार और निराला बाबा की सबने देखी है। अब बात करें उदिरन की, तो उदिरन की जल्दी देखने को मिल जाएगी, बट हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर बहुत जरूरी चीज है। अनिल कपूर का रोल हमने देखा था लास्ट मूवी एनिमल के अंदर, भैया अनिल कपूर की हत्या करना चाहते थे हमारे अबरार यानी बॉबी देओल, कैसे भी करके अनिल कपूर को मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरीके से उनके पिता ने, यानी बॉबी देओल के पिता ने अपने आप को जिंदा जला लिया था, जला के अपने आप को खत्म कर दिया था, जिसके बाद से बॉबी देओल की बोलने की यानी जुबान चली जाती है, वो बोल नहीं पाते, और तभी से बस वो बदला लेना चाहते थे किससे, रणविजय के बाप से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रणवीर कपूर के पिता से, अनिल कपूर से, और जिसके लिए वो कुछ भी करते। पर फाइनली यार यहाँ रणवीर कपूर ने मामला पूरा का पूरा खलास कर दिया और मार दिया बॉबी देओल को। पर चलो अभी से थोड़ा साइड रखते हैं, अब बात करते हैं हम मेन कि कौन सी मूवी आने वाली है। दोस्तों अल्फा मूवी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही अल्फा मूवी है जिसके अंदर हमें अनिल कपूर देखने वाले। वैसे एक चीज बता दूं, स्पाई यूनिवर्स, एक तरीके से स्पाई यूनिवर्स ने साइन कर लिया अनिल कपूर को सीरीज ऑफ द मूवीज में। सीरीज ऑफ द मूवीज इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारी पिक्चरों में आने वाले स्पाई यूनिवर्स की। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, फाइटर में देख लिया आप लोगों ने, अब फाइटर को साइड करो। अब बात करते हैं वॉर, वॉर के अंदर फिर दोबारा हमें देखने को मिलने वाला है। फिर दोबारा का मतलब ये होता है कि भाई फाइटर में देख लिया स्पाई यूनिवर्स की, अब वॉर में देखने को मिलने वाले, अल्फा में देखने को मिलने वाले, और स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी मूवीज, अपकमिंग मूवीज है, जितनी भी बैक टू बैक मूवीज आने वाली है, उन सभी पिक्चरों में हमें अनिल कपूर का वो किरदार देखने को मिलने वाला, वो जबरदस्त वाला किरदार। और किरदार क्या होगा, रॉ एजेंट का किरदार होने वाला है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रॉ के अफसर बनेंगे और एक अव्वल लेवल के अफसर बनने वाले हैं, और ये अव्वल लेवल के अफसर पने में तो जबरदस्त है। फाइटर के अंदर हमने देखा था किस तरीके से इन्होंने मजा मान दिया था, मतलब तो वो स्ट्रिक्टनेस थी वो बहुत अच्छी लग रही थी और जज भी थी इनके ऊपर। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अल्फा के अंदर ये कितना जबरदस्त वाला काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा के अंदर भी नेगेटिव रोल, नेगेटिव शेड है बॉबी देओल के पास, और पिक्चर की कहानी कुछ ऐसी कही जा रही है कि देशभक्ति के ऊपर रिलेट करेगी ये पिक्चर, कहीं ना कहीं आलिया भट्ट है, और अल्फा बॉयज देखने को मिलने वाले हैं। बट अल्फा बॉयज एक तरफ हो गए और अल्फा मैन एक तरफ हो गया, और वो अल्फा मैन कौन होने वाला है, वो होने वाले हैं हमारे बॉबी देओल। वैसे सबसे बड़ी बात यहाँ पे बॉबी देओल को लेकर क्या है, बॉबी देओल को लेकर सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज यहाँ पे ये खुल के सामने आ रही है कि भाई ये पिक्चर का जो शूट देखने को मिलने वाला है, ये स्टोरी देखने को मिलने वाली है, वो देखने को मिलने वाली कश्मीर से रिलेट करते हुए। भारत पाकिस्तान का रुख बहुत बार दिखा दिया गया है, बहुत बार बाकी भारत पाकिस्तान को दिखा दिखा के पका दिया गया। अब इस बार मेकर्स ने सोचा क्यों ना भारत पाकिस्तान को साइड करते हैं, इस बार कश्मीर से जुड़ा मुद्दा दिखाते हैं और इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा दिखाया जाएगा, और इंटरनेशनल लेवल पे शायद एज अ टेररिस्ट बॉबी देओल को दिखाया जा सकता है। यानी कि अब तक ये बाबा बन चुके हैं, अब तक एक मर्डरर बन चुके हैं, मर्डरर बन, कई सारे मर्डर करे एनिमल के अंदर देखा है हमने, और अब ये बनने जा रहे हैं एक टेररिस्ट, यानी कि बॉबी देओल और टेररिस्ट। अब देखते हैं कि टेररिस्ट कितना जबरदस्त तरीके का होता है, क्योंकि एक इनकी पिक्चर भी तो आने वाली है सोल्जर टू। अब सोल्जर टू के अंदर ये सोल्जर भी तो बनेंगे, और सोल्जर बन के ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट का सफाया भी करेंगे, बट अल्फा मूवी के अंदर टेररिस्ट भी बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं अल्फा मूवी में जबरदस्त तरीके का एक्शन दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है भिड़ंत होगी किसके साथ, सीधी सीधी अनिल कपूर के साथ होगी, क्योंकि अनिल कपूर तो रॉ के सीनियर ऑफिसर होंगे ना, और ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट बनेंगे या फिर ऐसे गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी के खिलाफ होगी, या इंडियन की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो पॉपुलेशन है या भारत है उनकी संप्रभुता के खिलाफ होगी, या फिर देखा जाए तो उनके ऊपर किसी ना किसी तरह के अटैक करती हुई नजर आ रही होगी। तो उसमें मतलब विलन वाले किरदार में दिखेंगे या अपोजिट किरदार में दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है टक्कर दोनों के बीच में होगी, और टक्कर बहुत बेहतरीन होगी, और इसी टक्कर को तो हर कोई देखने के लिए तैयार है, वेट कर रहा है अल्फा मूवी का, काफी जरिए से काफी टाइम से वेट करा जा रहा है, और ये मूवी बननी तो है यार जबरदस्त तरीके की बननी है, क्योंकि एक्शन सीन्स इसमें बेहतरीन होने वाले हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बॉबी देओल हैं और अनिल कपूर हैं, इनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा तब गर्म हुई थी जब एनिमल मूवी के अंदर अबरार का किरदार निभाया था, और एक
अनिल कपूर की एक ऐसी फर्स्ट एंड सिंगल पर्सनालिटी थी जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था पिक्चर के रिलीज होने से पहले कि इस मूवी के बाद से बॉबी देओल जो है वो सुपरस्टार बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल की एक अलग छवि बनने वाली, ये खुद अनिल कपूर साहब ने कहा था। और आप फाइनली देख सकते हो अनिल कपूर के साथ ही आपको अल्फा मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, और न जाने कौन कौन सी मूवीज के अंदर ये आने वाले हैं। और अनिल कपूर ने इस वजह से कहा था कि ये किरदार बहुत ज्यादा याद रखा किरदार जाएगा, ये किरदार बहुत बड़ा किरदार तो नहीं है बट एक महत्वपूर्ण किरदार है और ये इस किरदार का महत्व बहुत ज्यादा होने वाला है, जिसके चलते हर कोई आप जानते हैं पूरी की पूरी एनिमल मूवी अबरार पे बेस हो गई है यार। रणविजय को कोई इतना ज्यादा याद नहीं रख रहा, रश्मिका मंदाना को इतना ज्यादा याद नहीं रख रहा, अनिल कपूर को कोई इतना ज्यादा याद नहीं रख रहा, सिर्फ और सिर्फ याद रखा जा रहा है अबरार को। बेशक अबरार मर चुका है, अबरार की हत्या रणविजय ने, रणवीर कपूर ने बॉबी देओल को मार दिया है, बट एनिमल पार्क के अंदर फिर दोबारा से डिमांड उठी है कि दोबारा से अबरार को दिखाया जाए। अब देखते हैं कि फाइनली क्या होता है, क्योंकि भाई देखना तो बनता है ना। अनिल कपूर है एक तरफ बॉबी देओल है एक तरफ, रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर के साथ तो पिक्चर कर लिया, अब उनकी वाइफ के साथ अल्फा मूवी कर रहे हैं, और फिर इन सब चीज़ों को अगर साइड रखें तो साउथ के अंदर सूर्या के साथ पिक्चर कर रहे हैं, और सूर्या के साथ भी कोई छोटी मोटी पिक्चर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मूवी है। और बड़ी मूवी आप लोग जानते ही हैं कि जो मूवी कंगुआ है, कंगुआ बहुत बेहतरीन मूवी है, और इसे मतलब बड़े लेवल पर लॉन्च करा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है मास मूवी है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों को कवर करती है, दोनों तरफ से ही पैसा ये मूवी कमाएगी, और ज़रूरी भी है। और सबसे बड़ी बात है ये जो पिक्चर को बनाया जा रहा है ये इसी लिहाज से बनाया जा रहा है कि भाई पिक्चर ज़बरदस्त तरीके का कलेक्शन एक बन करे, और ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि इस पिक्चर में सिर्फ मेन जो कहा जाए एक किरदार होगा वो सूर्या का होगा और बॉबी देओल का होगा। आपने एनिमल पिक्चर के अंदर देखा अबरार के किरदार के अंदर उन्होंने लाइमलाइट तो चुरा ली, बट फिर भी जब 900 करोड़ का आंकड़ा पार करा एनिमल मूवी ने तो कहीं ना कहीं वो रणवीर कपूर के नाम रहा, अनिल कपूर के नाम रहा, रश्मिका मंदाना के नाम रहा, बॉबी देओल को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई क्योंकि पूरी मूवी जो घूमी है वो रणवीर कपूर के आसपास घूमी है, क्योंकि भाई लीड हीरो है। पर जो कंगुआ मूवी होगी वो सिर्फ और सिर्फ सूर्या और बॉबी देओल के आसपास घूमेगी, यानी उदीरन के आसपास घूमेगी। तो इस मूवी का जो भी कलेक्शन होगा 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, वो बॉबी देओल की मूवी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा अब तक का, जो अब तक उनकी किसी भी मूवी ने नहीं करा एक तरीके से देखा जाए एज अ विलन, कम्प्लीटली विलन जिसे कहा जा सकता है, जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए नहीं आएगा, जो आएगा कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं उसका एक अलग किरदार चल रहा होगा, सूर्या का एक अलग किरदार चल रहा होगा, यानी हीरो का अलग किरदार अपनी जगह, विलन का अपना किरदार अपनी जगह चल रहा होगा, और इस दौरान मूवी दिखाई जा रही होगी। तो ये अपने आप में बिग अचीवमेंट भी होगी बॉबी देओल के लिए, और देखते हैं फाइनली कि बॉबी देओल को उस मूवी से कितना ज़्यादा एक फेम मिलता है या कितना ज़्यादा आगे जाके वो काबिज होते हैं और ज़्यादा बॉलीवुड पे, ये तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज़ है और देखने वाली चीज़ होगी। वैसे दोस्तों फाइनली आप लोगों को क्या लगता है अल्फा के अंदर हमारे अनिल कपूर और बॉबी देओल किस तरीके से भिड़ने वाले हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मोटा बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।